आज की वीडियो में लाया हूँ मैं आपके लिए कि लोगो कैसे बनाएंगे, आप लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर। तो सबसे पहले पिक्स आर्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पिक्स आर्ट हम ओपन करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे, नीचे कलर बैकग्राउंड्स आपको दिखाई देगा जिसके अंदर बहुत सारे कलर आपको दिखाई देंगे। आप अपने लोगो पे कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं वाइट कलर आपको सजेस्ट करूँगा, वाइट कलर लीजिएगा क्योंकि वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है बैकग्राउंड पे। वाइट कलर पे मैं क्लिक करूँगा, वाइट कलर पे जैसे क्लिक करूँगा तो इस टाइप की एक वाइट कलर की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। मैं टूल्स पे इसको क्रॉप पे जाके इसका स्क्वायर फॉर्म ले लूँगा, सेकंड नंबर वाला, जैसे क्लिक करूँगा तो एक पेज स्क्वायर फॉर्म में ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा और टेक्स्ट आपको दिखाई देगा, देखिए सेंटर में आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी फॉन्ट लेना है आपके चैनल का, उस फॉन्ट को आप इस पर टाइप कर लीजिए। तो आप में एवरीथिंग इज बेस्ट चैनल आप देख रहे हैं, तो एवरीथिंग का ई और बी का बेस्ट मैं टाइप करूँगा। तो सबसे पहले मैंने ई लिख दिया है, ई पे मैं क्लिक करूँगा तो इस टाइप से ई सिलेक्ट हो गया है, वो वाइट कलर होने की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं कलर पे जाता हूँ और इसको रेड कर लेता हूँ, इस टाइप से आपको दिखाई देगा। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने इसको बड़ा कर लिया है और थोड़ा सा इसको साइड में सरका देता हूँ। उस पर मैंने राइट क्लिक किया तो ई अपने आप सेट हो चुका है। वापस मैं टेक्स्ट पर गया हूँ, टेक्स्ट पर अब मैं बी टाइप करूँगा, ये मैंने बी लिया है और फिर से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कलर में इसको ब्लैक लूँगा, ब्लैक कलर लेने के बाद मैं इसको सेट कर दूँगा इसके ऊपर। आपको जैसे सेट करना, जहाँ सेट करना आप सेट कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने इसको यहाँ सेट कर लिया है, उस पर मैं राइट कर दूँगा। तो इस टाइप से हमारा एक लोगो सेट हो चुका है। अब फ्रेंड्स वापस मैं टेक्स्ट पर जाऊँगा और अपने चैनल का पूरा नाम लिखूँगा, ये देखिए अपने चैनल का पूरा नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, ये इस पर मैं क्लिक करूँगा इस टाइप से। अब मैं इसको जहाँ पे रखना है वहाँ रख लूँगा, मैं यहाँ रखूँगा इसको इस लोगो के अंदर ही, ताकि काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। ये देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है ये। अब आप नीचे के शेप में आप किसी पर भी क्लिक करके इस पर शेप दे सकते हैं, तो मैं शेप पे क्लिक करूँगा, इस बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आप इस पे कोई सी भी इमेज पे आप क्लिक करेंगे और इस पे आप शेप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको जो चाबी वाला जो इमेज है इस पे मैं क्लिक करूँगा और इस टाइप से इसको सेट करूँगा। ये देखिए ये पूरी चाबी इसके अंदर सेट हो गई है। जैसे मैं इस पर जैसे ये एक तो बीजी कलर दिख रहा है, बीजी पैटर्न दिख रहा है, तो पैटर्न के साइड में आपको दो एरो दिख रहे हैं। इस एरो पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये डार्क फॉर्मेट आपके सामने आएगा जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस टाइप से आपका लोगो बन के तैयार हो गया है मात्र 3 मिनट में। तो मैं इसको राइट क्लिक कर लूँगा, ये आपका लोगो सेट हो चुका है। और मैं टूल्स पर जाऊँगा, इसको कट कर लूँगा शेप साइज में, मैं सर्कल लूँगा, सर्कल को इस पर सेट कर लूँगा। ये देखिए मैंने सेट कर दिया है और मैं इसको सेव कर लूँगा। ये देखिए सेव कर लीजिए, तो सेव टू गैलरी हो गई है, आपका इस गैलरी में जाके सेव हो गया है। तो इस टाइप से ये हम सेव कर लिया है। तो इस टाइप से आप अपना लोगो बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।